जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड रिसर्च सेंटर में। आज हम अभ्यास 23 को पढ़ने वाले हैं। आपने इसके पहले जो सर्वनाम का अभ्यास किया है, अधिकतम उन्हीं सर्वनाम चिन्हों को इस अभ्यास को करते समय यूज़ करना है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि इसके पहले पढ़ाए गए सर्वनाम और शब्द चिन्हों को आपने अच्छे से अभ्यास किया होगा। तो चलिए फिर क्रम संख्या 1 से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, क्रम संख्या 1 है। यहाँ पे देखिए, जो सर्वनाम आप पीछे पढ़े हैं या शब्द चिन्ह पढ़े हैं, बस उन्हीं का यूज़ करना है। तो देखिए, पहला क्या है, जिस, है ना। इस प्रकार से आप पढ़े हैं, आप तैयार किए होंगे तो याद होगा आपको कि ये जिस बताया गया था, ठीक है। जिस, जिसको, है ना, ये डैश सीधा लाइन निकला है तो क्या हो जाएगा, जिसको, ठीक है। फिर देखिए, तुम्हारा, ये लाइन पे तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा। जिन्होंने इस अभ्यास को कर लिया है वो मिलान कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो अच्छे से समझ लें, इसको फिर करने का प्रयास करें, ठीक है। दो तीन बार आप अभ्यास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने अच्छे से इसको तैयार कर लिया है तो एक ही बार में बड़े ही आसान तरीके से कर लेंगे, है ना। तुम्हारा, ये देखिए तुमने, चूंकि क्या बताए थे इसमें, ये तो तुम का है, ठीक है। अब तुम का ये शब्द चिन्ह है, इस डैश को अभी भूल जाइए, ये तुम का शब्द चिन्ह है, है ना। अब इसको ने को यहां बुक में इस तरह से बताया गया है। तो देखिए, कर्व रेखा, यहां पे देखिए ये कर्व है ना, अब कर्व जिस दिशा में कर्व रेखा आ रही है उसी दिशा में हम इस डैश को नहीं लगा सकते, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो क्या किए हैं यहां पे, इस डैश को जो नीचे की तरफ लगना था इसको ऊपर की तरफ कर दिए हैं, तो क्या हो गया, तुमने, ठीक है, तुमने, ये क्या हो गया, तुम्हारा, तुम्हारा, ये क्या है, मैं है ना, मैं का शब्द चिन्ह है और इसको इधर ऊपर की तरफ डैश कर दिए हैं, तो क्या हो गया, मुझे, मुझे, ये मैंने, मैंने, मेरा, उसे, उस लाइन पे है तो ये जैसे मुझे था वैसे ये उसे हो गया, है ना, उसे, ये क्या है, ये उसे हो गया, ये क्या हो गया, मैं हो गया, मैं, और ये क्या हो गया, मेरा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए यहां पे गलती हो गया, ये उसका है ना, लाइन पे उस है, लाइन के ऊपर मैं है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका, ये देखिए, उसका, उसे, मेरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्रम संख्या है, उन, वह छोटा सा, किसका है शब्द चिन्ह, उनका, ये क्या हो गया, उन, ये हो गया इस, और यहां छोटा सा मैं बना है तो ये क्या हो गया, इसमें, सर्वनाम पीछे आप पढ़ चुके हैं, इसमें। उसी प्रकार से आप में, आप में, फिर उसी प्रकार से हम, है ना, लाइन के ऊपर हम, और ये जो ये सीधा डैश गया हमको, जैसे ये जिसको हो गया था वैसे ये हमको, ये डैश सीधा जाने का मतलब क्या है, को, ठीक है ना, हमको, लाइन पे जो, है ना। यहाँ देखिए लाइन पे गलती से बन गया था, इसलिए मैंने नीचे लाइन थोड़ा सा बना दिया है। इसको लाइन आप मत समझिएगा, जैसे इसको ये मत समझिएगा कि इस चिन्ह में ये भी जुड़ा है, ये लाइन है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर कैसा है, जैसा, लाइन के ऊपर जैसा है और लाइन पे जिस है, ठीक है ना। तो इसको जैसा, ये हो गया आप पर, ये पर सर्वनाम पीछे आप पढ़ चुके हैं, आप पर, आप पर, ठीक है ना, ये आप पर हो गया। ये देखिए लाइन पे तुम हो गया, ये तुमको हो जाएगा, तुमको, क्या हो गया, वह, लाइन के ऊपर वह हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्रम संख्या 3, क्रम संख्या 3 है, लाइन पे ये है, लाइन के ऊपर यह है ना। ये आप ध्यान से इसको समझते और देखते चलेंगे तो आपको
कुछ सर्वनाम ऐसे भी हैं जो अभ्यास करते कर, जैसे क्या होता है, मानव प्रवृत्ति होती है कभी कभी देख करके भी याद हो जाता है, तो इसको जब ध्यान से आप देखेंगे सुनेंगे तो भी ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभ्यास करते समय आपको आसानी हो जाएगी। तो लाइन पे क्या हो गया, ये, और लाइन के ऊपर यह है, ठीक है। ये भी आपको पीछे बताया है सर्वनाम पढ़ाते वक्त, ये क्या हो गया, भी किसी भी शब्द में ये जुड़ जाएगा, जैसे क में अगर ये चिन्ह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कभी, है ना। तो ये क्या है, चिन्ह भी का, और इसी प्रकार से ये चिन्ह सिंगल अगर अकेला है तो ही। ये क्या है, जिस तरह, जिस तरह, है ना। जैसे लाइन के, लाइन पे था जिस, है ना, लाइन पे जिस का चिन्ह है ना, जैसे यहां पे देखिए जिस, लेकिन प्रवाह बनाने के लिए, प्रवाह बनाने के लिए इन्होंने इस सर्कल को इधर ना बना करके, ये बायां ता ना बना के दायां ता बनाना था, क्योंकि आप दाहिने साइड में जा रहे हैं तो दाहिने साइड में यहाँ नज़दीक रहेगा। देखिए एक एक माइक्रो सेकंड का भी यूज़ होता है इसमें, है ना, महत्व होता है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो ये बाएं साइड में आएंगे, फिर यहाँ दूसरे में, दूसरे शब्द को लिखने के लिए इतनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ों का ध्यान में इन्होंने रखा है, ठीक है। तो ये जिस हो गया, सर्कल इधर बना दिए, दायां ता इधर हो गया, दूरी कम हो गई, है ना, इसलिए इसको बनाया गया है। जिस तरह, ये देखिए इस का सब चिन्ह त जुड़ गया तो क्या हो गया, इस तरह, इस तरह। ये क्या है, किस, उसके बाद त जुड़ गया, किस तरह, किस तरह, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा हो गया उस, उसका सब चिन्ह त जुड़ गया तो क्या हो गया, उस तरह, उस तरह। किसी सब चिन्ह में या सर्वनाम में त जोड़ने पे आपको पीछे पढ़ाया गया है क्या जुड़ जाता है, तरह, है ना। ये सब चिन्ह आप पढ़ चुके हैं, कौन, ये भी पीछे आपने पढ़ा है, जो लोग, जो लोग, है ना, जो लोग, कोई, कोई का भी अपने सब चिन्ह पढ़ा है, कोई, वैसा, ठीक है, लाइन के ऊपर है ना, व और स सर्कल है, स का सर्कल क्या हो जाएगा, वैसा, और जैसे लाइन के ऊपर कोई है वैसे लाइन पे बना देंगे तो कई हो जाएगा, कोई और कई। ये क्या है, लाइन के बीचों बीच में क बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या, ठीक। ये आपका क्रम संख्या चार तक कंप्लीट हो गया। पांचवा देखिए, पांचवें से आपका क्या है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप और ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आदत में आएगा कि कैसे हम लिखने के बाद कैसे हम अनुवाद करेंगे सेंटेंस को, कैसे अनुवाद करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कॉमा पूर्ण विराम का कैसे ख्याल रखेंगे, है ना, किस प्रकार से हम समझेंगे कि आगे आने वाले सेंटेंस बहुवचन है या एक वचन है, शुरू में ही पढ़ते वक्त ही कैसे हम समझ जाएंगे, है ना। जैसे शब्दचिन्ह पढ़ाते वक्त कोई कोई शब्दचिन्ह इस तरह से भी है कि उनका एक शब्दचिन्ह है उनका बहुवचन, जैसे लिंग में परिवर्तन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, चिन्ह वही रहता है, लिंग में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसको किस तरह से समझेंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, उसको आपको पांचवें क्रम संख्या में इसको जानने को मिलेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जो, जो, ठीक है, जो का मतलब क्या हो गया, जो एकवचन भी हो सकता है कोई एक व्यक्ति के लिए, ठीक, और बहुवचन भी हो सकता है बहुत से व्यक्ति के लिए, यानी कि सामूहिक रूप से कहा गया है, ठीक है। जैसे आप जब सेंटेंस आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो, जैसा, जैसा का है ये जो का शब्द चिन्ह है, जैसा करेगा, जो जैसा करेगा ये वह, वैसा फल, पापे आ की मात्रा पा ये और गा, पाए गा, ठीक है, पूर्णविराम हो गया, जो जैसा करेगा वह वैसा फल पाएगा, ठीक है ना, ये वाक्यांश हो गया। तो एक तरह से मुहावरा हो गया, जो जैसा करेगा वह वैसा फल पाएगा, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। अब आगे देखिए, जो लोग, ठीक, जो लोग, देखिए पहले ही शब्द से थोड़ा सा कंफर्म होते चल रहा है कि आगे आने वाला जो
सेंटेंस है वो क्या रहेगा, बहुवचन में रहेगा, जो लोग, जो लोग का मतलब ही हो गया कि समूह के लिए कहा गया है, ठीक है ना, जो लोग, जो लोग काम को इस तरह, इस तरह। अब यहां पे देखिए बुक में भी दिया है क र त पे एक ही मात्रा यहां आ गया ना, करते। अब जैसे एक वचन होता तो कर्ता होता है ना, कर्ता लिखा होता, लेकिन बहुवचन में जा रहा सेंटेंस तो चूंकि शुरुआत ही जो लोग से हुआ, जो लोग काम को इस तरह करते, यहां से भी कंफर्म हो गया करते। अब यहां पे देखिए बुक में इस तरह से सब चिन्ह दिया है ना, है हो है हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक ही तरह से सब चिन्ह है ना, तो मैंने इसको अलग किया है, अलग किया है ना। तो जो जिनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पहले से अभ्यास कर चुके हैं, इस पे अभ्यस्त हो चुके हैं, तो वो वैसे ही करें, है ना। और जिनको अगर कोई समस्या आ रही है बदलने में, या कोई अगर वीडियो को अगर कोई अच्छा खासा स्पीड पे लिखने वाला भी, डिक्टेशन करने वाला भी देख रहा है, तो वो भी इससे समझ सकता है, इससे लाभ ले सकता है कि जैसे हम इसी शब्द को, यानी कि इसी शब्द चिन्ह को अगर छोटा सा उल्टी की तरफ, उल्टा दिशा में बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हैं, ये अलग हो गया। जो लोग काम को इस तरह करते हैं कि, ठीक है ना, कि उसमें, उसमें कोई, ये कोई का शब्द चिन्ह हो गया, बात, ब हो गया, डार्क है ना, ब च ने, मैं को बना के काट दिया है और एक ही मात्रा है, कोई बात बचने नहीं का शब्द चिन्ह है ये, नहीं। अब देखिए दे देना देता है ना, ये है ना शब्द चिन्ह बताया गया था इस प्रकार से, तो मैंने इसको अलग किया था, द में त बना, त जोड़ दिया था, है ना, क्योंकि दे देना देता एक ही तरह से है, ठीक है, तो त जोड़ के, त जोड़ दिया है तो क्या हो गया, दे ता। ये आप जस्ट आगे आने वाले जो पहला आंकड़ा पढ़ने वाले हैं वो ता का ही आंकड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे आपके अभ्यास में आ जाए ये। और पीछे कई बार मैं बुक में भी कई बार ऐसा शब्द चिन्ह बताया गया जिसमें त का आंकड़ा या स का आंकड़ा पहले से ही जोड़ दिया है, न का आंकड़ा भी जोड़ दिया है कहीं कहीं, है ना, जैसे बात में ही देख लीजिए, बात का इस प्रकार से ही है ना, बुक में दिया हुआ, तो इस प्रकार से इसको कर्म में थोड़ा सा डैश निकल जाता है, जैसे आप पढ़ेंगे आगे, अभी इसमें ज़्यादा मत जाइएगा, पढ़ाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, जैसे कर्म व्यंजन होगा तो त का आंकड़ा लगाते समय डैश निकल जाएगा हल्का सा, और सीधा अगर सरल व्यंजन है तो सीधे लाइन में बाईं तरफ त का आंकड़ा लग जाता है, आप आगे पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बचने नहीं, अब देखिए ये क्या है, जो लोग काम को इस तरह करते हैं, है ना, यहां से देखिए बहुवचन चल रहा है ये, करते हैं कि उसमें कोई बात बचने नहीं देता, ये सब चिन्ह है ना, तो चूंकि बहुवचन में इसलिए क्या हो जाएगा, देता, देते, बचने नहीं देते, है ना, बहुवचन में वाक्य चल रहा है तो यहां देता ना होकर के क्या हो जाएगा, देते, ठीक है। क्या, ये क्या का शब्द चिन्ह है, कौन और कैसे, ठीक, ये तो आपने लिख लिया, लेकिन एक चीज का और ध्यान दीजिए यहां पे, बचने नहीं देते। अब यहां से सेंटेंस थोड़ा सा विराम लेके अलग चल रहा है ना, तो यहां से आपका कॉमा हो जाएगा, बचने नहीं देते क्या कॉमा कौन कॉमा और कैसे, हो गया ना, का शब्द चिन्ह हो गया, ठीक है, पूरा ये प हो गया, अब प का तीसरे स्थान की मात्रा रह के पहले, अब इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको कई बार बता चुके हैं, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो दिक्कत नहीं होगी, पूरा विचार, ठीक है ना, तीसरे स्थान की मात्रा यहां आ गई, च के पहले, विचार रखते हैं, ठीक है, जिसको इस तरह से सुविधा हो इस तरह से लिखिए, और जिसको जिस तरह मैंने बताया उस तरह से भी लिख सकता है, पूरा विचार रखते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए सेंटेंस अलग हो रहा है, कॉमा
ऐसा म थ त पर ए की मात्रा ऐसा मथते हैं। देखिए छठा देख लीजिए, देखिए न बना करके काट दिया है तो म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्का तिरछा डैश लगा है, ठीक है। तो ये किस स्थान की मात्रा, तीसरे स्थान की, न के तीसरे स्थान की, है ना। तो क्या हो जाएगा, न बना के काटा है तो म के तीसरे स्थान की मात्रा हो जाएगा मु, उसके बाद स वृत्त, उसके पहले यानी कि ब के पहले तीसरे स्थान की मात्रा, तो क्या हो जाएगा सी, तो मुसीबत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मुसीबत पर कोई किसी, यहां पे देखिए किस का ये सब चिन्ह है ना। तो यहां पे देखिए एक छोटा सा मैं बीच में यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां बिंदी लगाया हूं, है ना, एक मात्रा लगा दी है, तो क्या हो गया किसी हो गया, किस किसी। तो यहाँ पे ये जो मात्रा आप लगाए हैं बीच में, मतलब हमने लगाया है बीच में, उसको आप बाहर भी लगा सकते हैं, चाहे बाहर लगाइए चाहे अंदर लगाइए, चूंकि ये सब चिन्ह नहीं है मात्रा लगाने का, इसलिए मैंने एक इसको स्पष्ट करने के लिए आप भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं दिक्कत हो वहाँ स्पष्ट करने के लिए एक हल्का सा चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है। तो मुसीबत पर कोई किसी के का सब चिन्ह काम नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। यहां पे देखिए क्रॉस दिया है तो यानी कि पूर्ण विराम या कॉमा में से कोई एक होना चाहिए, तो यहां पे कॉमा लगा देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहां आगे सेंटेंस इसी से जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस यहां खत्म हुआ, हल्का विराम मतलब आधा विराम हो गया, आधा विराम का मतलब अर्ध विराम, अर्ध विराम का मतलब कॉमा होता है, पूर्ण विराम का मतलब खड़ी पाई, तो आता अर्ध विराम चाहे, अब चाह चाहता का शब्द चिन्ह आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस को पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये सेंटेंस यही चाहता भी हो सकता है या चाहते भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मुसीबत पर कोई किसी के काम नहीं आता चाहे, तो यहाँ बन रहा ना चाहे वे तुम्हारे दोस्त। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कोई किसी के, है ना, यहाँ पे देखिए बहुवचन क्या है, बहुवचन में चल रहा है ना, मुसीबत पर कोई किसी के काम नहीं आता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चाह नहीं हो जाएगा चाहे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन यहीं से पता चल रहा है, तो चाहे वे, वे वे का मतलब भी बहुवचन में आ गया, अगर एक वचन में होता तो वह होता है यहाँ पे, तो वे तुम्हारे दोस्त हों, ठीक है ना, है हो का सब चिन्ह है ना, तो यहां पे बहुवचन है तो हो तो होगा नहीं, हो जाएगा, दोस्त हो तुमको, तुमको चाहते, अब यहां पे चाहे तो हो जाएगा, वो चाहे तो होगा नहीं तो चाहते ही होगा, चाहते हो, क्योंकि एक ही शब्द चिन्ह है इसलिए सेंटेंस को बैठाते हुए चलेंगे, चाहते हो कॉमा तुम पर, तुम पर कृपा, यहाँ पे देखिए क र हो गया, तीसरे स्थान की मात्रा यहाँ आ गई है ना छोटी की, उसके बाद पापे आ की मात्रा, तुम पर कृपा रखते, रखते हों, ठीक है, उनका काम निकलता हो, उनका काम निकलता, उनका काम निकलता हो पर, ठीक है ना, यहां कॉमा हो जाएगा पर इन। अब देखिए शब्द चिन्ह के अंत में, शब्द चिन्ह के अंत में या शब्द के अंत में, शब्द के अंत में या शब्द चिन्ह के अंत में, जहां वो शब्द खत्म हो रहा है यानी कि जो चिन्ह आप बना रहे हैं जहां पे खत्म हो रहा है, तीसरे स्थान पे नहीं जहां पे खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे, तो यहां पे देखिए यहां पे बात का शब्द चिन्ह यहां खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ नीचे नीचे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ शब्द चिन्ह खत्म हो रहा है बस उसी के पास में, उसी के लास्ट में, अंत में वहीं एक बिंदी रख देने से क्या हो जाता है, वो बहुवचन चलता है, क्योंकि वाक्य बहुवचन में, इसलिए बातों का
विचार, है ना, विचार इस तरह, इस तरह जाता, डार्क है, जाता जाता है, जिस तरह, जिसमें त जोड़ दिए, जिस तरह, ये क्या है, सवृत है, उ की मात्रा पहले लगी हुई है, तो सूरज, जिस तरह सूरज के निकलने, निकलने न हो गया, क्या के पहले तीसरे स्थान की मात्रा, तो न पे मात्रा आएगी, निकलने, निकलने पर, ये देखिए ध है, डार्क है ना, काटा हुआ है, तो ध हो गया, और अ स्थान के जो अ की मात्रा है वहां पे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का मतलब क्या हो गया, अंक का अनुस्वार हो गया, अंधकार, ठीक है, क्रॉस पूर्ण विराम। यह आपका अभ्यास 23 समाप्त हुआ, आशा करते हैं आप इसे समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक